नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार। आज हम देखने वाले हैं टीसीपी आईपी मॉडल। लास्ट सेशन में आपको याद होगा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर हमने सेवन लेयर्स देखी थी और सेवन लेयर्स का वन बाय वन हमने एक एक करके समझा था कि किस लेयर का क्या वर्क होता है, हम कौन सी लेयर पे क्या वर्क कर रहे होते हैं। मैंने आपको ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में समझाया था कि हमारा कम्युनिकेशन जो होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन का जो माध्यम होगा वो माध्यम किस तरह का लॉजिकली वर्क करता है, रेफरेंस बाय ओएसआई रेफरेंस मॉडल। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। ओएसआई मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, ओएसआई रेफरेंस जस्ट लाइक ए रेफरेंस मॉडल, टीसीपी आईपी एक डेवलपमेंट मॉडल है जिसको डेवलप किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में हमारी सेवन लेयर्स होती है। सेवन लेयर्स को एक रेफरेंस मॉडल में समझाया गया। दोनों, मगर बात करूं टीसीपी आईपी मॉडल की और ओएसआई रेफरेंस मॉडल की, दोनों ही लॉजिकल मॉड्यूल्स हैं, फिजिकल मॉड्यूल नहीं बोल सकते, दोनों ही लॉजिकल मॉड्यूल हैं। बट ओएसआई रेफरेंस इज ए जस्ट लाइक रेफरेंस मॉडल और टीसीपी आईपी इज ए डेवलपमेंट मॉडल। टीसीपी आईपी की बात करें तो टीसीपी आईपी में टीसीपी का जो हेडर, टीसीपी आईपी का जो हेडर होता है ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर, वो 5 बाइट का होता है, लेकिन इधर हमारा जो अभी हेडर आएगा वो 20 बाइट का होगा टीसीपी आईपी के अंदर। टीसीपी आईपी क्यों बोला गया इसको, सबसे पहले देखते हैं कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। लास्ट सेशन में मैंने आपको दिखाया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हम ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारा दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, एक टीसीपी और दूसरा यूडीपी। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड दूसरा इसके अंदर जो आईपी है, आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अकॉर्डिंग लेयर 3 पे वर्क करता है, नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल हमारा वर्क करता है। लेयर 4 के अकॉर्डिंग, लेयर 4 में हमारा टीसीपी काम करता है ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हमारा टीसीपी और आईपी का एक स्टैक बना दिया गया है, ग्रुप ऑफ द प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ द प्रोटोकॉल, स्टैक ऑफ द प्रोटोकॉल। तो यहां पे टीसीपी और आईपी का ग्रुप है प्रोटोकॉल्स का। वो ग्रुप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है आपस में एक दूसरे से, किस तरह से हमारे प्रोटोकॉल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एनकैप्सुलेशन फॉर्म क्या होता है, ये टीसीपी आईपी में समझाया गया। टीसीपी आईपी जो मॉड्यूल्स है, इट वॉज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि डीओडी मॉडल इसको बोला जाता है। टीसीपी आईपी मॉडल भी बोल देते हैं, डीओडी मॉडल भी बोल देते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया, यानी कि यूएस आर्मी ने इसको डेवलप किया है, इसलिए इसका नाम डीओडी मॉडल रखा गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इन 1960 में इसको डेवलप किया गया था एंड इट वॉज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड है, जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं ये उसका स्टैंडर्ड को समझाता है, उसके स्टैंडर्ड को लॉजिकल फॉर्म में बताता है। टीसीपी आईपी मॉडल उसी को रिप्रेजेंट कराता है। इट इज ए कंसिस्ट वर्जन ऑफ द ओएसआई मॉडल, यानी कि ओएसआई मॉडल का कंसिस्ट वर्जन है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर सेवन लेयर्स काम करती हैं, जिसमें मैंने बताया एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। उसी का कंसिस्ट वर्जन, यानी कि 4 लेयर में जो कन्वर्ट किया गया, उसको हम टीसीपी आईपी मॉडल बोलते हैं, जिसमें 4 लेयर काम करती है, 4 लेयर्स वर्क करती हैं। यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन लेयर की 3 लेयर्स हैं, उन 3 लेयर्स का, वो जो 3 लेयर्स है उन लेयर्स का एक लेयर वर्क करता है। इसी तरह से यहाँ पे 4 लेयर को रिप्रेजेंट कराया गया है, कम्युनिकेशन को हमने 4 लेयर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि रिसोर्स कंज्यूम कर दिए। जहां पे हमारे हाईली रिसोर्स यूज होते थे, ओएसआई रेफरेंस मॉडल को अगर एज ए रेफरेंस यूज करते हुए, उसको लॉजिकली यूटिलाइज करते हुए अगर हम अपने इन्वायरमेंट में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं एज पर द ओएसआई रेफरेंस मॉडल, अगर हम नेटवर्क को इंप्लीमेंट करते हैं तो रिसोर्सेस ज्यादा कंज्यूम होंगे। बट अगर हम टीसीपी आईपी मॉडल को यूज करते हुए नेटवर्क इंप्लीमेंट करते हैं तो रिसोर्सेस कम कंज्यूम होंगे, मतलब
हो क्या रहा है कि हमारा पहले ओएसए रेफरेंस मॉडल चलता था, उसी रेफरेंस मॉडल को शॉर्ट फॉर्म में यानी कि चार लेयर में कन्वर्ट करके टीसीपी आईपी मॉडल बनाया डीओडी ने। तो ये डीओडी ने बनाया इसको और यूज इन आर्पनेट, आर्पनेट ने यूज किया, इसके लिए यूज किया गया आर्पनेट के लिए। तो मॉडल इट कंटेन्स फोर लेयर्स अनलाइक सेवन लेयर्स इन ओएसआई मॉडल। ओके, ये डेवलप किया गया था, डिजाइन किया गया था यूनिक्स ओएस के, यूज इन डेवलप्ड बाय यूनिक्स ओएस, यूनिक्स ओएस के लिए डेवलप किया गया था टीसीपी आईपी मॉडल को। देन उसके बाद क्या हुआ, अभी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे काम करते हैं, अभी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक आपका मैक ओएस हो गया, आपके लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, आपके विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारा टीसीपी आईपी का जो लॉजिक है वो वर्क करता है। जो टीसीपी आईपी का हम लॉजिक है वो लॉजिक हमारा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अभी के टाइम में हम देखते हैं वर्क करता है। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल का शॉर्ट फॉर्म में टीसीपी आईपी मॉडल बनाया गया, प्रोटोकॉल का स्टैक बनाया गया। मैं लेयर्स बता देता हूं कि सेवन लेयर से किस तरह से हमने कन्वर्ट किया, कौन कौन सी लेयर्स हैं टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। सात लेयर हैं ओएसआई में और यहां पे हमारी कितनी लेयर है, फोर लेयर, ओएसआई एंड टीसीपी आईपी। ओएसआई में हमारा एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ये हमारी ओएसआई रेफरेंस मॉडल की लेयर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और यहां पर हमारी कौन सी लेयर काम करती है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर, फर्स्ट लेयर हमारी प्रोसेस, यानी कि मैं इसको एप्लीकेशन नाम भी दे सकता हूं, एप्लीकेशन। या प्रोसेस लेयर, ठीक। यहां पे क्या हुआ, ये जो हमारी तीन लेयर है, जो सॉफ्टवेयर लेयर मैंने बताई थी आपको, ये जो हमारी सॉफ्टवेयर लेयर है, इन सॉफ्टवेयर लेयर का टीसीपी आईपी में एक लेयर बना दिया गया जिसका नाम दिया गया एप्लीकेशन या प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा, यहां पे जो हमारी लेयर फोर है यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर को यहां पे हमने बोल दिया एंड टू एंड लेयर, या इसको हम यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोल सकते हैं। ये हमारी टीसीपी आईपी मॉडल की नेक्स्ट लेयर होगी। उसके बाद हमारा नेटवर्क लेयर, जो नेटवर्क लेयर है, यहां पे नेटवर्क लेयर है और इधर हमारा नेटवर्क लेयर का जो नाम दिया गया वो दिया गया इंटरनेट। मैंने आपको बताया था नेटवर्क लेयर के बारे में कि यहां पे इंटर कनेक्टिविटी होती है, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, इंटर कनेक्टिविटी। देन उसके बाद हमारा आता है डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का क्या नाम दिया गया यहां पे, नेटवर्क एक्सेस, यानी कि लिंक लेयर या फिर नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस इसका नाम दिया गया। तो यहां पर कुल मिलाकर हमारी कितनी लेयर हो गई, फोर लेयर टीसीपी आईपी मॉड्यूल के अंदर हमारी फोर लेयर्स काम करती है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये थ्री लेयर्स का जो हमारी सॉफ्टवेयर लेयर थी उनकी एक लेयर बनाई, यहां पे एप्लीकेशन या प्रोसेस लेयर बोल देते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को एंड टू एंड लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर नाम दे दिया गया और नेटवर्क लेयर हमारा इंटरनेट, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर कर दिया, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के फोर लेयर वर्क करती हैं टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। अभी टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हमारे जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसके अंदर प्रोटोकॉल कौन से काम करते हैं, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस,
DNS, DHCP, SFTP, TFTP, FTP, NTP, NFS और आपका POP3, DHCP, ये प्रोटोकॉल यहां पे काम करते हैं, और भी प्रोटोकॉल ईटीसी, ये एप्लीकेशन या प्रोसेस पे काम करते हैं, जो भी हमारी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स थे ओएसआई रेफरेंस मॉडल में सेवन लेयर में मैंने ये प्रोटोकॉल समझाए थे, यहां पे ही हमारे प्रोटोकॉल काम करते हैं। एंड टू एंड लेयर यानी कि यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर, इधर हमारा प्रोटोकॉल काम करेगा टीसीपी और यूडीपी यहां पे काम करता है। इंटरनेट, इंटरनेट पे हमारा आईपी प्रोटोकॉल काम करेगा, आईसीएमपी यहां पे काम करता है, पिंकी यूटिलिटी के लिए हम आईसीएमपी यूज करते हैं, और यहां पे एआरपी काम करता है और आरएआरपी प्रोटोकॉल यहां पे वर्क करते हैं। नेटवर्क एक्सेस यानी कि लिंक एक्सेस, लिंक लेयर भी बोल देते हैं इसको, इसका नेटवर्क एक्सेस में जो प्रोटोकॉल काम करेंगे वो कौन से हैं हमारे, यहां पे हमारे काम करते हैं एचडीएलसी, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट और आपका फ्रेम रिले, फ्रेम रिले 802.3, 802.11, ठीक है। तो यहां पे HDLC, PPP, फ्रेम रिले, 802.3, 802.11 या हमारे और भी जो प्रोटोकॉल्स हैं ईटीसी, वो यहां पे हमारे वर्क करते हैं, जो नेटवर्क एक्सेस पे ये प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल हमारे अभी टीसीपी आईपी, तो फिर टीसीपी आईपी को मैंने शुरू में बताया था कि ये ग्रुप है प्रोटोकॉल का, तो इस तरह से हमारा ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स यहां पे वर्क कर रहे होते हैं, और इनका कम्युनिकेशन कैसे होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टीसीपी आईपी का एनकैप्सुलेशन कैसे काम करता है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल का एनकैप्सुलेशन कैसे काम करता है, लेयर्स जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स एचटीटीपी, एचटीटीपी डीएनएस, वन बाय वन एक एक प्रोटोकॉल्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, हेडर क्या होता है, हेडर का साइज क्या होता है, हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ देखते रहिए सर्वर ज्ञान चैनल, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।